नमस्ते, स्वागत है आपका स्टडी लैब्स पे। मटर चाट बनाते वक्त एक प्रोसेस मैंने देखा और फिर जागा मेरा इंटरेस्ट कि यार इस प्रोसेस को क्यों यूज़ करते हैं मटर चाट बनाने में। फिर एक तरफ किचन केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई और दूसरी तरफ मटर चाट बनने लगी। अगर आपने इससे पहले हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो किचन केमिस्ट्री में 3 और वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, ये चौथा है, तो आप उन 3 वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। को अगर मेंडल और उनके मटर पर किए हुए प्रयोग ना भी पता हो तो भी आप मटर तो खाते ही होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मटर चाट बनाना। सबसे पहले आप उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए और उसमें बेकिंग सोडा मिला के उसको 4 घंटे के लिए रख दीजिए। अब यहीं से ये सवाल आया कि ये बेकिंग सोडा में क्यों रखना है उसको, कि बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है यानी क्षार होता है। तो मटर क्या होता है? मटर एसिडिक है, अम्ल है या क्षार है, बेसिक है? इस सवाल का जवाब इसमें मिला कि मटर का कलर हरा होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल यानी C55H72O5N4Mg, और क्लोरोफिल अपने आप में एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन में ही, एक एल्कलाइन में ही हम दूसरे एल्कलाइन मटेरियल को मिक्स करके 4 घंटे के लिए रख रहे हैं। तो 4 घंटे हो चुके हैं बेकिंग सोडा में मटर को रखे हुए। कुछ मटर मैंने पहले भी अलग कर लिए थे बिना बेकिंग सोडा में रखे, और अब बेकिंग सोडा में रखे मटर को भी धुल लेते हैं और उसको हम देखते हैं कि अब दोनों मटर में अंतर क्या आया है। एक मटर जिसको पानी में रखा गया था नॉर्मल, और एक मटर जिसको बेकिंग सोडा के पानी में रखा गया था। तो अब हम मटर के बारे में पता करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और उससे हमें उम्मीद है कि हमें इस सवाल का जवाब मिल पाए कि हम उसको बेकिंग सोडा यानी कि जो अपने आप में एक अल्कलाइन है, एक क्षार है, उसके साथ क्यों हम मिला के रखते हैं, उसमें क्यों उसको पानी के साथ मिला के रखते हैं। तो इसके पीएच को जांचने के लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं। जिनको यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में ना मालूम हो, तो हम जिस भी कंपाउंड के साथ उसको मिलाते हैं उससे कलर बदलता है, और उस कलर को देख के हम उस मटेरियल का पीएच पता कर सकते हैं कि वो किस पीएच में है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक हो जाता है, अम्ल हो जाता है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस हो जाता है, एल्कलाइन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो मटर है उसका कलर लाइट ग्रीन आ रहा है, और जो बेकिंग सोडा में डिप करके रखा गया था, सोक करके रखा गया था, उसका कलर डार्क ग्रीन आ रहा है। इसका मतलब कि ये पीएच कहीं ना कहीं 6.5 से 7.5 के बीच में है, लेकिन ये पीएच पानी का भी हो सकता है, इसलिए हम इस पानी को फेंक देंगे और हम मटर को मैश करके उसका भी पीएच अंदर का जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने दोनों ही तरीके के मटर में मिलाकर देखा और इसमें भी वही रिजल्ट आ रहा है कि 6.5 से 7.5 हो जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा में उसको डिप करने पे जो चेंज आता है वो लगभग 1 पीएच का निकल कर आ रहा है। मटर चाट के लिए आप थोड़ा सा अदरक को कूट लीजिए। अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें थोड़ा सा पानी, मटर, अदरक और थोड़ा नमक जितना आपको स्वाद के लिए चाहिए उसको मिला के उसको धीमे धीमे उबालते रहिए। दूसरी तरफ करते हैं मटर के साथ एक और प्रयोग। हमें ये तो पता है कि बेकिंग सोडा की वजह से उसका पीएच 1 बढ़ गया, वो और ज़्यादा क्षार हो गया, एल्कलाइन हो गया, लेकिन किसी और के साथ उसमें क्या होगा? तो मैंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में बेकिंग सोडा, एक में नॉर्मल पानी और तीसरे में विनेगर डाल दिया, जो कि एक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तीनों टेस्ट ट्यूब में मैंने 3-3 मटर के दाने डाल दिए और अब देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या होगा। तो पानी गर्म हो चुका है और हम तीनों टेस्ट ट्यूब को गर्म पानी में रख देते हैं, और शायद इससे ये गुत्थी सुलझ जाए कि क्यों हम मटर को बेकिंग सोडा में डिप करके रखते हैं। इन टेस्ट ट्यूब को तो 5 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो हम तब तक चलते हैं अपने मटर चाट की तरफ वापस। मटर को धीमी आंच पे मैश करते रहिए जब तक कि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी ना हो जाए, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। उसके बाद उसमें मिर्चा, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च और जीरा पाउडर मिला दीजिए और अरारोट के साथ उसको गूंथ लीजिए। यहाँ मेरे छोटे भाई ने मेरी मदद की, और बस फिर क्या है, उसको तेल में तल लीजिए, फ्राई कर लीजिए और तैयार है आपकी मटर चाट। इस मटर चाट को इमली की चटनी, दही, प्याज के साथ सर्व करिए और मज़े लीजिए। और हम वापस चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अब इसको लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हम इन तीनों को अलग अलग निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क आया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा में रखा हुआ था उसका कलर ज़्यादा ग्रीन है पानी वाले के मुकाबले, और जो एसिड यानी विनेगर में रखा हुआ था वो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। इसका मतलब उसका जो क्लोरोफिल था वो रिएक्ट करके कुछ और बना चुका है। इसका मतलब जो बेकिंग सोडा है वो रिटेन कर पाता है क्लोरोफिल को, उसकी प्रॉपर्टी को, उसके गुणों को, और बचाए रखता है। याद रखिए कि ये तो सिर्फ 5 मिनट बेकिंग सोडा में रहा, जो हमने मटर चाट बनाई है वो लगभग 4 घंटे बेकिंग सोडा में रहा था। तो इसके दो फायदे मुझे समझ में आते हैं, पहला कि ये तो एल्कलाइन बढ़ा देता है 1 pH का, और दूसरा कि ये प्रॉपर्टी को होल्ड भी कर पाता है। इस प्रयोग से हमें 3 जवाब तो मिले, पहला कि मटर हरा क्यों होता है, दूसरा कि उसका pH यानी वो अम्लीय है या क्षारीय है, एसिडिक है या बेसिक है, और तीसरा कि बेकिंग सोडा का मिलाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनको हमें ढूंढना चाहिए, जैसे विनेगर को उसमें जोड़ने पर उसमें क्या बना, क्या रिएक्ट हुआ, क्या बेकिंग सोडा जोड़ना ठीक है या ख़राब है, और तीसरा कि क्या फिर हमें हर हरी सब्ज़ी में बेकिंग सोडा को मिलाना चाहिए। इनके जवाब हम फिर कभी ढूंढेंगे। वैसे आपको क्या लगता है ना मज़ेदार, खाने का खाना और केमिस्ट्री की केमिस्ट्री। ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टडी लैब्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।